वाला है ओ, मारे वाला पल
बहुत सुंदर सकंदी है, बीच में बीच में है। गुलमार फिल्म का ये सॉन्ग था और गुलजार कहते हैं क्या शब्द है, मतलब उनके शब्द बोलते हैं और एक एक शब्द अपने आप में खूब अर्थों को समाहित करे हुए रहता है। एक एक काव्य उनका, एक एक पंक्तियाँ उनकी अपने आप में संपूर्ण होती हैं। तो सगनेन भैया को अवार्ड देने के लिए बुलवाना चाहूँगी श्री आनंद गुप्ता जी, श्री प्रमोद गुप्ता जी, श्रीमती मनु शर्मा जी, डॉक्टर मनु शर्मा जी, प्लीज। वैसे अमित एक बात तो माननी पड़ेगी, इस मंच के माध्यम से वाकई छुपे हुए, बोलते ना छुपे हुए कलाकार निकल निकल के बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। अच्छा कोई कोई किसी भी प्रोफेशन में हो लेकिन कुछ कौन मिसिंग है? Where is he? कहां पर है वो? अमित, अमित मैं इधर हूँ। सिल्पी कहाँ? कहाँ भाई? सिल्पी मैं इधर हूँ। दिखाई नहीं पड़ रहा भाई, जरा खड़े होकर दिखाओ। सुल्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम हम सबको मदहोश कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कलाकार हर व्यक्ति के अंदर होता है, सिर्फ उस कला को छेड़ने की जरूरत है। तो मैं आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय आदित्य प्रताप सिंह पुलिस कप्तान हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा एक किशोरदा का, एक कोई भी गाने का मुखड़ा अगर आप गाएंगे तो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओ मेरे दिल के चैन को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। थैंक यू वेरी मच सिद्धू जी। अमित जी आपकी जुगलबंदी का कहना है क्या? क्या आपने तो पूरे इस गंज को माहौल ऐसा बना रखा है कि कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि डांस रोक दो, गाना रोक दो। इनकी जुगलबंदी है जो वाकई ही काबिले तारीफ है। एक बार इनकी जुगलबंदी के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में शहर के वरिष्ठ चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर अवनीश महेश्वरी जी, आप भी म्यूजिक का बहुत शौक रखते हैं। मैं भी चाहूंगा एक किशोरदा का एक छोटा सा मुखड़ा आप भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। शेरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करो। थैंक यू वेरी मच। मैंने बोला कलाकार सभी के अंदर है, सिर्फ कला को जगाने की बात है। मैं वापस से मंच भाई अमित जी और शिल्पी जी को देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया, आपने ऐसे छुपे हुए कलाकार हम सबसे इंट्रोड्यूस कराया जो शायद हम कभी नहीं ढूंढ पाते, हम कभी उनको सुन नहीं पाते। अच्छा लगा अमित ये सुनकर। लेकिन शिल्पी नोटिस किया, वो दो लोग तो बहुत सुरीले थे, उन्होंने गाया, बाकी सबके मन में भी कुछ कीड़ा वीड़ा कुलकुलवाने लगा कि काश हमें मौका मिले। लेकिन लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो रवि को पास आते देखकर दौड़ के भाग लिए एकदम से कि कहीं हमारे पास माइक ना आ जाए। हाँ ये होता है क्योंकि ये स्टेज फियर है। क्या अमित आप जानते हैं इस बात को, शायद हमारी ऑडियंस भी इस बात से जानकारी रखती होगी कि किशोर दा जिनकी आज हम बात कर रहे हैं उन्हें भी स्टेज फियर था। स्टेज पर गाने के नाम से वो दौड़ लेते थे और पास आते नहीं थे, हमेशा उन्होंने दूसरों को सामने रखे, पीछे से आवाज़ दी और यहीं से शायद उनकी फीमेल जो प्लेबैक सिंगिंग है वो स्टार्ट हुई। वो बताएं कि उनकी आवाज़ का रिकॉग्निशन कैसे हुआ। एक बार अशोक कुमार जी के घर पे म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन साहब पहुंचे जी। और वो सामान्य भेंट थी, उनकी मुलाकात थी, बातचीत चल रही थी, अंदर से कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, बाथरूम से कोई गा रहा था। तो एसडी बर्मन साहब बोले कि कौन गा रहा है, तो अशोक कुमार जी ने बड़े सहज भाव में कहा मेरा छोटा भाई नहा रहा है। और उसका नहाना तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो गाना नहीं गा लेता, गाना नहीं गा लेता अमित। और आपको ये पता होगा कि शायद किशोर कुमार जी पहले हमेशा केएल सहगल के शुरू से बड़े दीवाने रहे और उन्हीं को गाते थे,
और ये जो मुलाकात थी एस डी बर्मन साहब की, यहाँ से उन्होंने उन्हें ये इस बात की समझाइश की कि आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, आप अच्छा गाते हैं और अगर अपनी खुद की शैली आप विकसित करते हैं तो वो कहीं ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, और यहीं से सच में माइलस्टोन बन गया और किशोर नाम का सितारा मौसीकी के आसमान पर हमेशा के लिए अमर हो गया। वो बाथरूम सिंगर का गाना और वो एस डी बर्मन साहब का सुनना, बिल्कुल इतनी छोटी सी घटना ने हमें इतना बड़ा संगीत दे गया। और एक चीज और थी, क्योंकि हम नेक्स्ट हमारी परफॉर्मेंस हम ड्यूएट परफॉर्मेंस लेकर आने वाले हैं, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी कि किशोर कुमार जी को अगर सबसे ज्यादा कोई समझ पाता था उनकी नटखटपना, वो कहाँ गानों में हरकत कहाँ देते हैं, कहाँ किस तरह से गाते हैं, तो वो आशा जी पकड़ पाती थी, और इसीलिए शायद उन्होंने ये कहा था कि शी इज माई मैच इट माइक। एक्जेक्टली, वो आशा जी थी जो उनकी हरकतों को, उनके बचपने को गाने में कहाँ वो डालते हैं उस चीज को पकड़ पाती थी, और गायकी उसी के अकॉर्डिंग होती थी, और उनकी जुगलबंदी को सुनने के लिए वाकई आज भी हम सब बेकरार होते हैं। तो हम भी इस जुगलबंदी को बंद करें, अगली जुगलबंदी को लाएं जो लता जी के साथ थी। लता जी के साथ थी। फिल्म थी आन मिलो सजना, किशोर कुमार, आनंद बख्शी लिरिसिस्ट, और संगीत था लक्ष्मीकांत पैरेलाल, और किसको बुला रहे हैं, सूजन और एकता को। एक बार जोरदार तालियां। हमें गाना जरूर है कि अच्छा तो हम चलते हैं, लेकिन अच्छा हम वापस भी मिलते हैं। वापस मिलते हैं, हम वापस आ रहे हैं। सूजन एकता के लिए जोरदार तालियां। हेलो हेलो, कहाँ चलते हैं? अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब लोगे? जब तुम कहोगे, जो मेरा तो अधीरा हो। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, thank you।
किस लिए तेरा रंग गोरी, हमारी पकड़ी गई है बस चुनी, जाने क्या हुआ कैसे हुआ ये गजब, मेरा चल जो बिगड़ गया सारी दुनिया का बदला चल गया, कैसे खिलेंगे आँख में चोरी, ले जाके मेरे घर से मेरी ढोली, तेरे घर वाले न कर दे दिल की परिया, देखो चलते हैं। अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। वाकई बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, अच्छा तो हम चलते हैं। सुजल आपकी उम्र क्या है? 15 वर्ष का बच्चा है, सोचिए। और एकता आपकी? एक्चुअली ये ट्विंस हैं, भाई बहन है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। ट्विंस है एक्चुअली ये दोनों ही, सुजल और एकता। और लेकिन एक बात अमित ये भी खास है कि जरूर नहीं कि ट्विंस होने के बाद हमारे अंदर खूबियां भी एक सी हो, लेकिन यहाँ माँ सरस्वती की बहुत मेहरबानी है और पूरा ही परिवार सुरमई है। बिल्कुल, तो इन बच्चों को मोमेंटो दिलाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री जयनारायण सिंह तोमर जी, श्री गौरव गुप्ता जी, मिसेस एसपी अंकिता जी। आ गया एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। 15 साल की उम्र में बच्चे तो खेल कूद में लगे रहते हैं, बट ये सुरों को साध रहे हैं, तो सच में साधना कर रहे हैं बच्चे। वैसे आजकल हमें बच्चे कमाल ही करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पी। क्या आपको पता है गर्मी ज्यादा लग रही है? गर्मी तो लग रही है लेकिन माहौल गर्म नहीं हो पा रहा, और इसको गर्म करने के लिए कुछ करना चाहिए। आपको पता है किशोर जी का रॉकिंग स्टाइल कैसा था? अमित आप करके दिखाने वाले? नहीं, मैं नहीं करके दिखाने वाला, यू डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। हम लोग डर गए थे थोड़ा सा, ऑडियंस डर गए थे क्या अमित के रॉकिंग स्टाइल से? नहीं, मेरा नहीं, किशोर दा का रॉकिंग स्टाइल यहाँ पर आने वाला है। तो किशोर दा का रॉकिंग स्टाइल चाहते हैं सब लोग? रॉकिंग स्टाइल, यस यस यस। एक समय पर ये गाना सारे पार्टीज की, सारे क्लब्स की, सारे पब्स की जान था। इस गाने के बिना कोई पार्टी पूरी नहीं होती थी, और जब पार्टी पूरी नहीं होती थी तो आज की पार्टी भी कैसे पूरी हो सकती है। और इसको इसीलिए हम थोड़ा सा मिड में लेकर आए इंजन चार्ज होने के लिए। जी, गाना है जाने जा ढूंढ पापी रहा तू तो रात दिन मैं यहाँ से वहाँ। कौन आ रहा है? रोमेश शर्मा। जोरदार तालियों से मैंने आमंत्रित करते हैं रोमेश जी को, फिल्म जवानी दीवानी, आनंद बख्शी गीतकार, आशा जी के बीच बीच में आवाज किशोर जी, और आर डी बर्मन जी का संगीत रोमेश। एक बार जोरदार तालियां रोमेश जी के लिए। गुड इवनिंग, पीछे आवाज आ रही है? ओके, जाने जा मैं यहाँ से वहाँ।
मुझको आवाज दो, चुप गए हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ, जाने जा रात दिन मैं यहाँ से ओ मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ चले हम मगर क्या खबर ओ मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ चले हम मगर क्या खबर रास्ते में कहीं रह गए हम नसीब तुम कहाँ मैं यहाँ तुम कहाँ मैं यहाँ जाने जा तुमसे ताप रहा तुम्हें रात दूँ मैं यहाँ से चलने लगा यूं ही ढलने लगा रंग भरा प्यार का ये समा दिल मचलने लगा यूं ही ढलने लगा रंग भरा प्यार का ये समा हाथ ऐसे में बस छोड़ कर चल दिए तुम कहाँ मैं यहाँ तुम कहाँ मैं यहाँ जाने जा तुम्हें रात पास हो तुम खड़े मेरे दिल में छुपे और मुझे कुछ पता ना चला पास हो तुम खड़े मेरे दिल में छुपे और मुझे कुछ पता ना चला दिल में देखा नहीं देखा सारा जहाँ तुम कहाँ मैं यहाँ तुम कहाँ मैं यहाँ जाने जा तुम मेरा तुम्हें रात दिन मैं यहाँ मुझको आवाज दो चुप गए हो सनम तुम कहाँ मैं यहाँ तुम
थैंक यू बिल्कुल रोमेश, हम यहाँ आप इतनी शिद्दत से बुला रहे थे तो हम एक सिंजा पहले ही आके खड़े हो गए थे। बिल्कुल, और वाकई रोमेश ने बहुत अच्छा गाया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो एक बार उतना ही जोरदार तालियां भी। हमें तालियों की जरूरत नहीं, ऐसा है क्या? और इधर प्लीज, क्या बात है। तो एक बार चारों तरफ से एक साथ तालियां, सबके होने का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल, चारों तरफ से एक बार जोरदार तालियां पूरे ग्राउंड में। यस, अब लगा जाने जहाँ जिस शिद्दत से गाया गया उन्हें मोमेंटो देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत ही के साथ डॉक्टर विवेक राठी जी और संगीत के बहुत महान साधक मुरैना के आदरणीय श्री सतीश करवार जी, डॉक्टर राजेश शर्मा जी। मैं तीनों को ही बहुत आदर और सम्मान के साथ यहाँ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया रमेश जी को मोमेंटो दें, एक बार जोरदार तालियां फिर से। ये अभी देखिए शाम तो एंजॉय चलता रहेगा, मस्तानी शाम है, आप सब मुझसे बात करने वाले हैं, शिल्पी से बात करने वाले हैं और बीच बीच में रवि से भी बात करने वाले हैं। रवि तैयार है बिल्कुल माइक लेकर, बट हम थोड़ा देर में आएंगे आपके पास। तो लेकिन अमित, क्योंकि बात मस्तानी शाम की हो रही है और कोई भी गायक कलाकार हो, कलाकार चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ तालियों का भूखा होता है, ताली ना बजे तो मजा ही नहीं आता कि हाँ कुछ हो रहा है। अमित इतने संजीदा क्यों हूँ? मैं संजीदा नहीं हूँ, मैं कुछ सोच रहा था। आप देख रहे हैं यहाँ गाने वाले परफॉर्म करने वाले लोग, किसी के नाम के आगे डॉक्टर लिखा है। बिल्कुल, और कोई छोटा है, मतलब अलग अलग फिटर्निटी के लोग हैं, अलग अलग व्यवसाय से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन शौक लगातार सबका एक ही है, वो है म्यूजिक, वो है साधना। और जब हम म्यूजिक सीखते हैं या हम उसको गाते हैं तो अंदर से एक खुशी मिलती है और दिमाग और मन दोनों तरोताजा हो जाते हैं। अगले परफॉर्मर के लिए मैं बुलाना चाहूँगी चंद लाइनों के साथ में। समेट लो इन नाजुक पलों को, समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ये लम्हे कल हो ना हो, चाहे हो भी ये लम्हे क्या मालूम शामिल उन पलों में हम हो ना हो। क्या बात है शिल्पी, सच में जो अगला गाना भी है वो इन पलों की ही मुलाकात है। बिल्कुल, पलों की मुलाकात है, इसीलिए इन पलों से मुलाकात करने के लिए मैं बुलाने वाली हूँ श्री सतीन तोमर जी को। और जो मीडिया से आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सतेंद्र जी के लिए, मैं बहुत आदर के साथ उन्हें बुलाता हूँ। महान पार्श्व गायक किशोरदा की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज मैं उनका एक ऐसा गीत गाने का प्रयास करूँगा जो हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। Thank you.
नमस्कार, मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं स्कॉर्पियन रेडियो स्टेशन पर आपकी फरमाइश। आज हम बात करेंगे उस हस्ती के बारे में जिन्हें कहा जाता है सुरों का सरताज, संगीत का जादूगर और आवाज का बादशाह, जिनका नाम है किशोर दास। आज हम मना रहे हैं किशोर नाइट और आज हम सुनेंगे फरमाइश किशोरदा के चाहने वालों की। तो चलिए सुनते हैं पहली फरमाइश। हेलो हेलो, आप स्कॉर्पियन रेडियो स्टेशन से बोल रहे हैं? जी हाँ सर। जी मैं केएस ऑयल्स लिमिटेड से रमेश गर्ग बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका स्कॉर्पियन रेडियो स्टेशन पर। जी मुझे फिल्म लावा रिश्ता और जो गाना है अपनी तो जैसे तैसे, वो जरा आप मुझे सुना दीजिए। ओके सर, पेश है आपकी फरमाइश। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब आली, आपका क्या होगा, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, होने वाला ना
कोई रोने वाली जनाबे आली आपका क्या होगा। अभी अभी आपने सुना फिल्म लावारिस का ये गाना, अब सुनते हैं हमारी अगली फरमाइश। हेलो जी, मेरा नाम आशा चक्रवाल है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और मैं आपका एक कार्यक्रम आपकी फरमाइश काफ़ी सुनती हूँ, खासकर किशोरदा के गाने। मुझे किशोरदा के गाने काफ़ी पसंद है। क्या आप मुझे फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से ऐसे ना मुझे तुम देखो गीत सुना सकती हैं? तो प्रस्तुत है आशा जी की फरमाइश पर फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना। ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। जी, मैं वैष्णव पोले से नवल अग्रवाल बोल रहा हूँ और आज मेरी फरमाइश है आपसे कि आप मुझे फिल्म सत्य पे सत्ता का प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया और एक फिल्म की शराबी जिसमें गाना था इंतहा हो गई, ये दो गीत मैम आप प्लीज मुझे सुना दें। तो लीजिए नवल अग्रवाल जी की फरमाइश पर ये दो गाने, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया और इंतहा हो गई, इंतजार की। तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय हो ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, दिल करे हाय हाय हो ये बताए क्या होगा। ड्रीम्स एंड डिजायर इवेंट कंपनी से सेंकी बोल रहा हूँ। इस समय मेरे साथ जिला पुलिस कप्तान श्री आदित्य प्रताप सिंह और एसआई मिसेज भूमिका ध्रुवी जी हैं और हम सबकी फरमाइश ये है कि आप हमें फिल्म सत्य का सत्ता का जिंदगी मिलके बिताएंगे गीत जरा सुना दीजिए। तो
लीजिए आदित्य प्रताप जी, भूमिका जी और सेंकी जी के फरमाइश पर ये सुरमई नगमा। बांटेंगे हम हर हम मिल के सहे, फिर क्यों आंसू बहे। हर पल के सहारा एक दूसरे का यूं ही चलते रहे। हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। तो आज हमने याद किया बॉलीवुड के उस कलाकार को जिसने अपनी आवाज से कभी हमें हंसाया तो कभी रुलाया और जिंदगी जीना सिखाया। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत हमारे दिल में उन्हें आज भी जिंदा रखे हुए हैं। स्कॉर्पियो डांस अकेडमी की तरफ से एक छोटी सी कोशिश उस बड़े कलाकार के लिए। धन्यवाद। अमित, वाकई स्कॉर्पियन की ये प्रस्तुति सभी को पसंद आई, लेकिन ऑडियंस कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं आप अमित में? बाबू मुशाय बदले तो सरकार आप ही नजर आते हैं। धन्यवाद। पीछे लाल गुलाब आ गया है। बिल्कुल भाई, स्कॉर्पियन था, लाल टी शर्ट थी, तो लाल गुलाब भी स्वाभाविक था। जी बिल्कुल। अमित, मैं स्कॉर्पियन ग्रुप को बुलाती हूँ और आपको मोमेंटस देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री लोकेंद्र दंडौतिया जी, डॉक्टर सुरेश गुप्ता और स्ट्रीट रॉकर से मयंक श्रीवास्तव। स्कॉर्पियन ग्रुप हेड डायरेक्टर जो भी हैं, प्लीज सभी लोग आ जाइए। ग्रुप के सभी मेंबर्स यहाँ आ जाएं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, प्लीज, क्योंकि ये अधिकार सबका होता है और सबके साथ में एंजॉय करने की बात ही अलग होती है। मयंक भी आ गए हैं। जिस तरह से रहते हैं, क्या आपकी जिंदगी में कोई नहीं है? तो किशोर कुमार जी ने बहुत ही अच्छे से उनको आंसर किया था। उन्होंने मिलवाया था अपने बागीचे में लगे हुए उन तमाम पेड़ पौधों से जिनके उन्होंने नाम रखे हुए थे, और उन नाम के साथ में उस एक एक पेड़ से, एक एक पौधों से उनको मिलवाया और ये बताया कि ये मेरे सबसे अच्छे और क्लोज फ्रेंड्स हैं। जब भी मैं उदास होता हूँ तब इनके पास होता हूँ, या मुझे बहुत खुशी होती है तब मैं उनके पास होता हूँ। और वाकई ये एक बेस्ट फ्रेंड का नेचर भी होता है कि अगर कोई भी तकलीफ हो तो हम उसके साथ में शेयर करें। वो इतने एकाकी थे इसलिए इतना दर्द ले पाते थे अपनी जवाब अपनी आवाज में। बिल्कुल ले पाते थे। अगला जो गीत है वो भी कुछ ऐसा ही दर्द लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। और आप सबको आश्चर्य होगा कि जो सॉन्ग को परफॉर्म करने वाले हैं वो है प्रतीक अम्भा से हैं। एक बार तालियां बजाइए अम्भा जैसी जगह में उस बच्चे ने। और अमित, एक चीज और मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, क्योंकि प्रतीक की उम्र बहुत छोटी है जी, और इस गाने को बखूबी निभाया है, तो वो वाकई दाद के काबिल है। और मैं चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस भी तालियों के साथ उसका स्वागत करें। प्रतीक अम्भा से हमारा अगला प्रतिभागी। पीछे मेरे जितने भी साथी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कृपया बैठ जाएं। बैठेंगे तो ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि खड़े खड़े आपके पैर दुख जाएंगे। प्रोग्राम बहुत लंबा है, अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर मस्ती होने वाली है। अभी तो नगीने निकलने शुरू हुए हैं क्योंकि अभी चमक बाकी है। प्रतीक इतना हेलो
आपको शायद अमित याद होगा जब क्योंकि अभी हम लोग सभी ये बात जानते हैं कि किशोर कुमार पहले गाना नहीं गाते थे लेकिन उन्होंने ना ही कोई विधिवत इसकी शिक्षा ली थी लेकिन उनका सुर ज्ञान उनकी ताल कभी बिगड़ती नहीं थी और उनके साथ जो कोएट गाते थे जो ड्यूएट गाते थे उनको ये सोचना पड़ता था कि हम इनके साथ में सुर कैसे मिलाएंगे कहीं हमसे कोई गलती ना हो और जबकि वो एक वेल ट्रेंड सिंगर नहीं. बिल्कुल. चलिए हम ज्यादा आपके बीच में व्यवधान ना बने हम बहुत बातें कर रहे हैं लेकिन ऐसी जानकारियां हैं किशोर जी के बारे में जो आपसे शेयर किए बिना रह नहीं और सकते. आगे हम और जानकारियां देते रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. आपको हमें तो झेलना ही पड़ेगा हम दोनों को. जी अगला गीत है फिल्म आपकी कसम और आरटी बर्मन साहब का संगीत है. आनंद बख्शी गीतकार हैं और गायक किशोर कुमार थे लेकिन आज यहाँ गायक कौन है आप बताएंगी. बिल्कुल मैं बुलाना चाहूंगी. बुला लो. यस. जिंदगी का ये सफर उत्कर्ष चौधरी जी को. तालियों के साथ एक बार स्वागत करते हैं उत्कर्ष जी का. चाहे कोई पुकार
सपन है अपने दिल में से घर बनाने ना दो तड़प ना पड़े याद में जिंदगी रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो बाद में प्यार के चाहे थे जो हजारों सलाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते मेरे आगे निकल जाता है आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे के मंजर बदल जाता है एक बार चल जाते हैं तो दिन रात सुबह शाम वो दिन नहीं आते जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो बता ओ फिर नहीं आते ओ फिर नहीं आते जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो बता वो फिर नहीं आते वाकई हमें जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते ये लम्हा भी एक एक करके हमारे हाथ से बस यूं ही फिसलता चला जा रहा है और शायद ये लम्हा लौट के फिर नहीं आएगा तो क्यों ना इस लम्हे को पूरी तरह से जी लिया जाए इस लम्हे का पूरा आनंद उठा लिया जाए जिंदगी की हकीकत को बयां करते हुए ये नगमा आपके सामने पेश किया था उत्कर्ष चौधरी ने आपको स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी श्री नीरज बांदल जी श्री राजा कुशवाहा श्री डॉक्टर राजेश श्रीमती हेमा अग्रवाल और डॉक्टर के एन मिश्रा जी को जिंदगी के सफर में जो गुजर जाते हैं मुकाम वो आए या ना आए हम तो आ ही जाते हैं और ये सुंदर सा सीन यहाँ क्रिएट होता है जब हमारे सिंगर्स को ये दिया जाता है और आप सबको बहुत जानकर अच्छा फील होगा ये सारे सिंगर्स मुरैना के हैं और सब बहुत कड़ी मेहनत करते हैं अपने सिंगिंग को शौक के रूप में अपनाया हुआ है एक बार सारे सिंगर्स के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए जो यहाँ परफॉर्म करने आ रहे हैं बार बार अभी बहुत धमाल है बहुत मस्ती है बहुत म्यूजिक है शिल्पी जी बिल्कुल अमित बहुत धमाल है बहुत मस्ती है बहुत म्यूजिक है लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा डांस भी है और हम सोचते हैं कि शायद परफॉर्मेंस यहाँ पर हम थोड़ा सा रोक कर हम एक डांस परफॉर्मेंस की ओर चलते हैं जो कि रॉकजो ने तैयार किया है तो आइए देखते हैं पहले ये डांस परफॉर्मेंस बाय द रॉकजो
एक्स्ट्रा नहीं रहेगी गई मुझे लगा था मेरे मॉडलिंग करेगा चल शुरू हो जा अरे बस 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 सा पे रुक गया आगे बढ़ रे ना? रे के आगे क्या है अरे वाह 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 वा, क्या गले में तासीर है ये बात है तो चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे आ रहे थे स्कूल से रस्ते में हमने देखा एक खेल सस्ते में क्या बेटा क्या अम्मा चील चील चिल्ला के नीला कजरी सुनाए झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए अरे वाह 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 अरे वाह 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 अरे वाह 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 अरे वाह 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 ऐ तू बक 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 क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्या सुना है लो कर लो बात अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड यू सी सर आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश आई कैन लाफ इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज देयर माइंड्स आर वेरी नैरो मिक्स में छह औषधि तत्व हैं जो खिचकिच हटाएं तो जब भी गले में खिचकिच हो मिक्स लो मिक्स की गोली लो खिचकिच दूर करो के पग घुंघरू के पग घुंघरू बाद किस काम का है जो तेरे निशाने से झुके 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 और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना प्यार हो गया ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा आती थी
मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, झुंझलाती हुई बल खाती हुई सावन की सुनी रात में। मिली से अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। छोड़ दीजिए, मैं जो यहाँ आया हूँ ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है, और साथ साथ पहल परिवार और स्ट्रीट रॉकर्स कंपनी का उपकार है। बहुत ही बड़ा चमत्कार है, लेकिन सब सुनने वालों को गाने का भी इंतजार है। तो फिर किशोर कुमार तैयार है। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, मूड बड़ा अच्छा है, समा सुहाना, मौसम मस्ताना, ऐसे में कोई मूडी गीत हो जाए। मूडी, हाँ मूडी, वेरी गुड, समझ गए, समझ गए। ओ मेरे दिल के चैन, रहनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, रहनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो हमें थोड़ा सा फिरक लिए, अच्छा लगा। बिल्कुल फिरकने लायक शाम भी है और संगीत भी। लेकिन हम अपनी ऑडियंस से पूछते हैं, क्या ऑडियंस मजा आया इस परफॉर्मेंस में? क्या वाकई मजा आया? लेकिन तालियां तो नहीं बताई हमें। इस तरीके से मुझे कम मजा आया। यस, ये हुई ना बात। तो मोमेंटोस लेने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर डॉक्टर मुनीश, जिला पंचायत सीईओ मिस सोनिया मीना, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी, डायरेक्टर ऑफ रोग जोन राजा कुशवा, राजा प्लीज जल्दी आओ। शिल्पी, ये सारे नए बच्चे हैं और अभी परफॉर्म कर रहे थे किशोर दा गाने पर, ऐसा नहीं है कि नई जनरेशन को उनके सॉन्ग
लेकिन उतने ही मेलोडियस हैं और उतने अच्छे डांस नंबर्स हैं, इन्हें प्रूफ किया अभी। बिल्कुल प्रूफ किया हमने। अच्छा एक चीज और है, एक बहुत पुरानी कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड, आप मानते हैं या नहीं? मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? वाह क्या बात है अमित, तुम देखो खाली रह गया, मेरे पास तक काफी सारे नोट्स हैं। ये सारे मेरे भी हैं। मोमेंटो दे दीजिए डायरेक्टर रोगजोन जी, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस डांस ट्रूप के लिए, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रैक्टिस की है। अमित किशोर दा उस जमाने के मशहूर और मारूफ गायक कुंदन लाल सहगल को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के अंदाज में गाया भी करते थे। और जब बड़े भाई अशोक कुमार ने मुंबई में अपना घर बना लिया तो छोटे किशोर भी मुंबई आ गए और यहाँ पर अपना नाम आभास कुमार से बदल कर रख लिया किशोर कुमार और बतौर कोरस सिंगर शुरुआत की। तुम होता क्या करे अरे अब तो दिल मचल मचल गया, चांदरा तुम होता क्या करे अरे अब तो दिल मचल मचल गया। दादा मुनि ने किशोर कुमार से एक्टिंग तो करवाई सन 1946 की फिल्म शिकारी में, पर दादा मुनि बहुत परेशान रहते थे क्योंकि किशोर दा कभी भी फिल्मी करियर के लिए बहुत सीरियस नहीं थे और एक्टिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कई बार सीन के बीच में वो अपनी लाइंस भूल जाते थे या फिर जानबूझकर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते थे। एक ऐसे ही सीन में किशोर दा और अशोक कुमार दोनों भाई आमने सामने थे और अशोक कुमार ने अपने छोटे भाई के दोनों पांव पे अपने पांव रख दिए और कहा अब हिलना डुलना नहीं, चुपचाप एक्टिंग करो, और वो सीन पूरा हुआ। ये फिल्म थी भाई भाई। तो तुम मुझे इस तरह परेशान करने पर तुले हुए हो, क्यों तुम कहीं आ गए? कम से कम इतना तो कह डाली कि अपनी धुन का पक्का हूं, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिखाया, अब आप मुझे जो भी नाम देंगे हुजूर मुझे मंजूर है।